नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको साउथ ईस्ट फेसिंग प्लॉट के बारे में बताना चाहूँगा, जिस प्लॉट की फेसिंग साउथ ईस्ट बनती है। यानी जब हम कंपास से डायरेक्शन देखते हैं तो साउथ ईस्ट 135 डिग्री आता है, तो उसे साउथ ईस्ट फेसिंग प्लॉट कहा जाता है। यानी प्लॉट के एक कॉर्नर पर ईस्ट आता है और दूसरे कॉर्नर पर साउथ आता है, तो ऐसा प्लॉट विदिशा वास्तु प्लॉट कहलाता है, डायगनल प्लॉट कहलाता है। तो ऐसे प्लॉट के अंदर वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें घर किस प्रकार से बनाना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से कुछ खास बातें जरूर बताऊंगा, जिसे आप सुनकर समझकर अपने घर को सही भी कर सकते हैं और आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो उसमें वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके अपने घर को सही बना सकते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, साउथ ईस्ट फेसिंग प्लॉट यानी साउथ ईस्ट, जिसे हम अग्निकोण भी कहते हैं, दक्षिण पूर्व का कोना कहा जाता है। साउथ ईस्ट में हमेशा ही अग्नि होनी चाहिए, क्योंकि ये अग्नि तत्व का स्थान है और यहाँ पर हमेशा ही अग्नि फायदा देती है, यह दिशा हमेशा ही गर्म रहनी चाहिए। अब साउथ ईस्ट फेसिंग प्लॉट है तो ऐसे में हमें मेन गेट कहाँ लगाना चाहिए। मेन गेट वास्तुशास्त्र के अनुसार हम ईस्ट कॉर्नर की ओर यहाँ पर अपना मेन गेट लगाते हैं तो यह मेन गेट हमेशा ही अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा, वैसे तो हमें गेट साउथ कॉर्नर में लगाना चाहिए, लेकिन साउथ कॉर्नर में जब गेट लगाते हैं तो गेट के ठीक सामने पार्किंग एरिया बनाया जाता है और पार्किंग एरिया से ही घर की एंट्रेंस होती है। जब पार्किंग एरिया से घर की एंट्रेंस होती है तो वो एंट्रेंस हमेशा ही साउथ वेस्ट की बनती है, जिसे वास्तुशास्त्र में बहुत ही गलत माना गया है। तो ऐसे में हमें मेन एंट्रेंस कहाँ बनानी चाहिए, ईस्ट कॉर्नर में बनानी चाहिए और इसके ठीक सामने यानी मेन गेट के ठीक सामने ही हमें पार्किंग एरिया बनाना चाहिए और यहाँ पर हम अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग बना लेते हैं। और जब यहाँ पर पार्किंग बनाते हैं तो यहीं से घर के अंदर आने की एंट्रेंस बनती है या फिर यहाँ से घर के अंदर आने की एंट्रेंस बनती है, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार दोनों ही बहुत अच्छी होती है। ऐसे में साउथ ईस्ट फेसिंग प्लॉट के अंदर हमें किन किन खास बातों का और ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें फ्रंट के भाग में पानी का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं या सबमर्सिबल लगाते हैं या यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाते हैं या यहाँ पर हम सेप्टिक टैंक बनाते हैं, तो उसका सीधा इफेक्ट घर के बच्चों पर और घर की महिला के ऊपर आता है, उनका स्वास्थ्य खराब होने की संभावना बनती है और साथ में एक्सीडेंट होने के कारण भी बनते हैं। तो इसलिए फ्रंट के भाग में कभी भी पानी का काम नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है, ऑप्शन नहीं होती, तो ऐसे में जो आपकी ईस्ट की दीवार है यानी ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट होते हुए नॉर्थ तक इस दीवार के साथ जो पार्किंग एरिया है यहाँ पर आप पानी का अंडरग्राउंड टैंक भी बना सकते हैं, सबमर्सिबल भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपने कभी भी सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है, क्योंकि जब आप यहाँ पर सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो यहाँ पर गंदगी स्टोर होनी शुरू हो जाती है, जिसे वास्तुशास्त्र में बहुत ज़्यादा गलत माना गया है और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमेशा ही पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ पर हमेशा ही मंदिर होना चाहिए, लेकिन हर जगह हर चीज़ की सेटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा स्पेस होता है उस स्पेस के हिसाब से हमें बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमेशा ही पानी का अंडरग्राउंड टैंक या सबमर्सिबल या रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाना चाहिए। मंदिर आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में, इस जोन में आपको अपना यहाँ पर मंदिर बनाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ ईस्ट जोन में आपको कभी भी टॉयलेट नहीं बनानी है। पहला पॉइंट ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, आपने अपने घर की किचन साउथ से साउथ ईस्ट की ओर यानी पार्किंग का एरिया छोड़कर इस जोन में आप अपनी किचन बना सकते हैं। यह किचन हमेशा ही आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आपको अपने यहाँ पर टॉयलेट कहाँ बनानी चाहिए, सबसे पहले तो जितना आप फ्रंट में साउथ ईस्ट में ओपन एरिया रखते हैं उसी हिसाब से आप नॉर्थ वेस्ट में भी ओपन एरिया रख सकते हैं और इसके वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ वेस्ट जोन में इस हिस्से में यदि आप टॉयलेट बनाते हैं तो ये टॉयलेट वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छी मानी जाती है और इसका कोई भी बुरा प्रभाव घर के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप टॉयलेट बना सकते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में आप अपना मंदिर बना सकते हैं।
साउथ ईस्ट से साउथ तक के भाग में आप अपनी किचन बना सकते हैं, बाकी आप अपने रूम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा प्लॉट होगा, जैसे प्लॉट का साइज होगा, उसके हिसाब से आप अपने घर को बना सकते हैं। अब इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पर फर्श की ढलान और छत की ढलान यानी फ्लोर स्लोप और टेरिस स्लोप कहाँ होना चाहिए। हमेशा ही फ्लोर स्लोप और टेरिस स्लोप साउथ वेस्ट में ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नीचा होना चाहिए। ऐसे इस प्रकार से फ्लोर स्लोप आपका होना चाहिए, यानी साउथ से होते हुए साउथ वेस्ट और वेस्ट, ये साउथ वेस्ट की कंप्लीट दीवार से फर्श ऊंचा करके पूरा स्लोप नॉर्थ ईस्ट की ओर आना ही चाहिए। ऐसा करने से भी घर का वास्तु काफी हद तक सही हो जाता है। पानी के बाहर निकलने का रास्ता कहां से बनाना चाहिए, वो रास्ता आपको नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट होते हुए ईस्ट से पानी को बाहर निकालना चाहिए। इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। और एक बात जरूर ध्यान रखनी है, कभी भी घर के मध्य भाग से सेंटर से कोई भी पाइपलाइन नहीं निकालनी चाहिए, चाहे वो सीवर की पाइपलाइन है, चाहे आपकी पानी की पाइपलाइन है, कोई भी पाइपलाइन मध्य भाग में नहीं होनी चाहिए, उसके कारण वास्तु दोष बनता है। इन बातों का आप ध्यान रखकर अपने घर को बना सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो आपका अपना मेन गेट है, मेन गेट के ऊपर आपको ग्रीन कलर या लाइट ब्राउन कलर का पेंट जरूर करना है, और ओपन एरिया का भी फर्श की ढलान जो करनी है वो साउथ से ईस्ट की ओर करनी है, इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। जो आपका पार्किंग एरिया है, इस पार्किंग एरिया की भी फर्श की ढलान इसी प्रकार से होनी चाहिए। आप फर्श की ढलान पार्किंग एरिया की फ्रंट की ओर करते हैं तो इसके कारण वास्तु दोष बन जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपका घर एज पर वास्तु बन जाएगा। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, आपके प्लॉट का साइज बहुत बड़ा है तो आप ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट होते हुए नॉर्थ तक इस भाग को कंप्लीट ओपन रखते हैं, यानी यहाँ पर बिल्डिंग नहीं बनाते, पूरी की पूरी बिल्डिंग आप साउथ वेस्ट की दीवार पर बना देते हैं और नॉर्थ ईस्ट का भाग कंप्लीट ओपन रख लेते हैं, तो उससे भी ऐसे प्लॉट का वास्तु बहुत बढ़िया हो जाता है। आपका प्लॉट बड़ा है तो मैं कहूँगा कि आप नॉर्थ ईस्ट में ओपन एरिया जरूर छोड़ें, आपके प्लॉट का साइज छोटा है तो आप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक पूरी कंप्लीट दोनों दीवारों को मिलाकर बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई उन बातों को ध्यान रखकर ही आप अपनी बिल्डिंग बनाएं। आज मैंने आपको बताया साउथ ईस्ट फेसिंग प्लॉट के बारे में कि साउथ ईस्ट फेसिंग प्लॉट के अंदर घर किस प्रकार से बनाना चाहिए। आपका अपना घर पहले से बना हुआ है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, तो जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया है उस प्रकार से आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव जरूर करें। आप अपने किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं, लेआउट बनवा सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएँ हमारी चार्जेबल रहेगी, पेड रहेगी। आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो मंगवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक भी मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक आपके घर के वास्तु दोष को दूर करने में सहायक जरूर होगी। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।